खरगोन शहर के डायवर्शन रोड स्थित निजी अस्पताल में एक नवविवाहिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर बेटी की मौत में लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस एवं नायब तहसीलदार ने परिजनों के बयान लेकर शव पीएम के लिए भेज दिया। ससुराल पक्ष ने बताया कि महिला की सिर दर्द के चलते तबीयत बिगड़ी थी। मिली जानकारी अनुसार संगीता पति ललित निवासी कमला नगर को शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात सनावद रोड स्थित सोना माँ अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां रात में प्राथमिक उपचार के बाद सुबह विराज हॉस्पिटल सिटी स्कैन के लिए भेजा, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर रवि शराब ने बताया महिला को सिरदर्द की समस्या थी, संभवतः महिला की दिमागी नस फटने या ट्यूमर होने की आशंका के चलते सिटी स्कैन के लिए भेजा था, लेकिन उसकी मौत हो गई। महिला के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, हालांकि सिटी स्कैन नहीं हो सकी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। इन्होंने मोबाइल लगाया 5 बजे की लड़की तुम्हारी बीमार है और उसको विराज हॉस्पिटल में हम भर्ती करने के लिए ले जा रहे हैं। 5 बजे बात हुई, उसके बाद में 6 बजे के आसपास गए कि वो शांत हो। अब वास्तविकता क्या है ये तो आप समय बताएगा, जांच रिपोर्ट में मालूम पड़ेगा। मतलब आपको आशंका है? तबीयत खराब हुई, उसको घबराहट चालू हो गई थी, उल्टी हुई, तो रवि सराफ सर के यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ लेके आए डीआरपी लाइन के सामने हॉस्पिटल में। उन्होंने रवि सराफ सर ने चेकअप भी करा और उन्होंने आईसीयू में भर्ती करा था और उन्होंने हमें यहाँ पे विराज हॉस्पिटल में सीटी स्कैन के लिए पहुँचाया था और यहाँ पर आए तो सीटी स्कैन करवाने के लिए लाइन में लगे थे और इतने में उसकी एकदम से सांसें बंद हो गई थी। आरोप लगा रहे हैं आप पे? नहीं, आरोप लगा रहे हैं कि एक्चुअली मेरे पास रवि सराफ सर का फ़ोन आया था 6 बजे के समथिंग। उन्होंने नाम बताया था संगीता, उसको एक्चुअली सिटी स्कैन के लिए यहाँ भेजा गया था। तो जब पेशेंट सिटी स्कैन के लिए यहाँ पे आया था तो यहाँ पर वो मृत अवस्था में आया था, तो मुझे यहाँ से स्टाफ ने फ़ोन लगाया कि सर पेशेंट आया है और ऐसी कंडीशन है। तो मैं नीचे आया, मैंने पेशेंट को देखा और उसके बाद उनके अटेंडर को उनके रिलेटिव को सारी चीज़ें बता दी। तो उन्होंने मुझे से एक निवेदन करा कि सर आप पेशेंट को 1 घंटा रोक लीजिए क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव आ रहे हैं, तो आप 1 घंटा रोक लीजिए। तो हमने उसे 1 घंटा का टाइम दिया। तो अभी उसके अटेंडर आए हैं और वो यहाँ पर कर रहे हैं और मरीज यहाँ पर भर्ती नहीं है, सिर्फ वो है जांच। आज सुबह 9 बजे करीब मिराज हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि एक महिला मृत अवस्था में उनके पास लाई गई है। उसके बाद हमारे सब इंस्पेक्टर्स ने जाके वहाँ जांच की, फिर चूंकि मामला नवविवाहिता का था तो उसका जो पंचायतनामा है वो मजिस्ट्रेट महोदय से जो तहसीलदार हैं उनसे कराया गया। अभी तक की जानकारी के अनुसार उसका नाम संगीता वाइफ ऑफ ललित भार्गव है, जो कमला नगर जेतापुर में यहाँ रहती थी और करही के बावड़िया गांव में उसका मायका था। सबसे पहले वो स्वराज हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर सराफ साहब ने उसको देखा तो वहां पर बताया गया कि 4-5 दिन से इसके सिर में तेज दर्द हो रहा है और वहां भी अनकॉन्शियस जैसी थी। उन्होंने बाकी चेक करने के बाद उसको सिटी स्कैन के लिए मिराज ले भेजा और मिराज ले जाते तक उसकी मृत्यु हो गई है। हमने शव को जो है मर्ग कायम कर लिया है और मर्ग कायम करने के बाद उसका पंचायतनामा कर उसका शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के दल से कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये के जो मायके पक्ष के लोग हैं वो ये जो पेशेंट आई थी हमारे पास जब आई थी तो ये बेहोशी वाली कंडीशन में थी, है ना। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जब उसकी सारा ब्लड प्रेशर शुगर और ये सब चेक करने के बाद ये देखा कि मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। ब्रेन में अलग तरह की ब्लीडिंग भी हो सकती है, कोई ट्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि उनको हिस्ट्री थी कि सिरदर्द 5-6 दिन से सिरदर्द की शिकायत थी वो। तो तत्काल फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में सिटी स्कैन के लिए भेजा है, लेकिन वहाँ पर उनकी डेथ हुई है सिटी स्कैन। ऐसा अपरेंटली तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई फाउल प्ले जैसा मामला तो नहीं लगता है कि अपरेंटली कोई ऐसा कोई चोट का निशान या ऐसा कोई ऐसे कोई साइन सिम्टम नहीं मिले
कि कुछ ऐसा लगता हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।